बस रख दो ज़्यादा मैं रोटी बना के जब ये चीज खाना फिर रोटी ना खाते है देखो इन्हें सुबह ही रोटी दे दो ये चीज दे मैंने स्टार्ट नहीं बोला था तो हमने शुरू नहीं किया बोलना तो आज हम लोग जा रहे हैं नोएडा। नोएडा जाने का रीज़न क्या है कि मेरी वाइफ के ऑफिस खुल चुके हैं कोविड के बाद तो इसलिए हम लोगों को नोएडा शिफ्ट होना पड़ रहा है। मेरा अभी वर्क फ्रॉम होम है तो मैं नोएडा में भी घर से बैठ के ही काम करूँगा इंजॉय करूँगा बट लगभग 2 से 2.5 साल बाद हम लोग मेरठ को छोड़ के जा रहे हैं और अपना सामान भी हम लोग शिफ्ट करा रहे हैं। एक ट्रक है वो जा रहा है सामान लेके और हम लोग अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो अब एक नया सफ़र शुरू होने वाला है जिंदगी का तो आपको अपडेट देते रहेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं क्या क्या नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। चलिए मिलते हैं नोएडा में तो पूरी रफ्तार से थे पर हमें ये पता नहीं था कि भाई आज के दिन रैली भी चलेगी तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान नहीं दिया ये पैरामीटर मिस कर दिया हमने तो अब दिखाइए आगे क्या हालत है। तो फंसा हुआ है मामला अब लग रहा है कि कम से कम भी आ रहा है 1 घंटा यहाँ से मेरठ से निकलने में लग जाएगा। 1 घंटे का सफ़र होता है नोएडा का ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे की वजह से पर अब मामला यहीं फंस चुका है। चलो मिलते हैं आगे। तो वेलकम बैक गाइस अब हम वापस आ चुके हैं नोएडा पहुंच चुके हैं सामान लगाना शुरू कर दिया है थोड़ा दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। वाइफ भी हमारी बिजी है लगी पड़ी है काम करने में मेरी भी हालत देख ही रही होगी पसीने में थक परेशान हो गया हूँ तो कर रहे हैं कोशिश धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे बट हम नोएडा पहुँच गए हैं और एक तरीके से नई लाइफ स्टार्ट हो रही है यहाँ पर एंड धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे कुछ ना कुछ नया करते जाएंगे नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए चाहे तो बने रहिए आप भी हमें कुछ सिखाइए हम भी आपको कुछ सिखाएंगे साथ में बने रहेंगे। ओके टेक केयर बाय बाय।